Hi friends, welcome again on CA Nitin Gupta, not classes. Okay. Motivation. Let us have a topic lete motivation. Okay. है क्या, कैसे मिलता है मोटिवेशन? क्या मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड करने से, या फिर कुछ एक दो मोटिवेशनल कोट पढ़ने लेने से आप मोटिवेटेड हो जाते हो? है क्या मोटिवेशन, कैसे मिलता है और क्यों चाहिए? देखते हैं। एक्चुअली ये जो हमारी क्लास है, ये एक दो वीडियोस बनेंगी रिगार्डिंग मैं सीए नितिन गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक वन इन सीए फाइनल विदाउट एनी कोचिंग। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोटिवेशन बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाउ मोटिवेटेड आई एम, मैं कितना मोटिवेटेड हूं एंड फ्रॉम वेयर आई गेट दैट मोटिवेशन। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, देखते हैं वो चीज आपको कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल लगती है या नहीं लगती है। सो सीए नितिन गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक वन, ऑल इंडिया टॉपर विदाउट एनी कोचिंग एंड दैट टू 12th क्लास से आई एम अर्निंग। द रीजन मीन आई हैव नो फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ओके, सो 12th क्लास से अर्निंग है। आई हैव टू अर्न टू बाय अ पेन, टू बाय अ बुक, टू बाय अ रजिस्टर, दैट्स व्हाई नो कोचिंग। ओके, सो आई हैव डेवलप्ड माय ओन लॉजिक। 18 से 20 घंटे काम किया मैंने सिंस 12th क्लास, आई वाज इन 12th क्लास और उसके साथ सीए की, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक वन। 18-20 घंटे काम करने के बाद 24x7 सातों दिन, एक भी दिन की नो हॉलिडे, नो छुट्टी, आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, उसके अलावा व्हेन आई वाज 20-21 इयर्स ओल्ड मैथ्स पढ़ाया मैंने टीवी पे 3 साल। उसके बाद आईआईटी प्रोफेसर्स, पीएचडीज, उनको मैथ्स पढ़ाया। वो मेरे वो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते थे जो मेरे पास थे, वो कॉन्सेप्ट्स टू टीच मैथ्स। तो आप समझ गए कि मेरे पास कुछ तो मेंटल पावर थी जिसके बेसिस पे वो कुछ यूनिक, बहुत छोटे बट यूनिक लॉजिक्स डेवलप हुए। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर आई गेट दैट मोटिवेशन टू डू ऑल दीज थिंग्स इवन विद सो मेनी हर्डल्स, विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैंने जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर करता हूं, व्हाट इज मोटिवेशन। एंड एक्चुअली माय टॉपिक इज पीके एंड ओएमजी। ये दो फिल्म्स आपने देखी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है, बहुत लोगों को ना पसंद आ रही है। तो जिनको पसंद आ रही है ना पसंद आ रही है, उन दोनों के पास फैक्चुअल लॉजिक्स नहीं है। आई एम अ शिव भक्त, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन दोनों फिल्मों को अपोज करूंगा बट ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। उसी के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये पहली वीडियो है, हार्डली 2 or 3 वीडियोस, और उसके बाद मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा हु वॉज मोर लॉजिकल, हु वॉज लॉजिकल, वेदर दीज टू और वेदर अ शिव भक्त। देखते हैं नाउ, लेट अस स्टार्ट मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन से कैसे मैं इन दोनों को अपोज करने वाला हूं वो देखेंगे। देखते हैं मोटिवेशन, व्हाई मोटिवेशन फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन हाउ टू गेट मोटिवेशन सेकेंड क्वेश्चन। व्हाई मोटिवेशन, ऑब्वियसली टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपना कोई काम करने के लिए, ये काम आप कर सको उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। ओके, लेट आपके दो गोल्स हो सकते हैं, बिजनेस, मनी और एजुकेशन। लेट सी ए इंजीनियरिंग, MBBS, लेट बहुत पढ़ना पड़ता है जी, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको मोटिवेशन चाहिए टू डू दैट। ओके, बिजनेस, दुनिया का सबसे मुश्किल काम बिजनेस सेट करना है और बिजनेस फ्लरिश करना है। बहुत लोगों का बिजनेस इसके बेसिस पे भी चलता है, लेकिन एक फैक्चुअल बिजनेस, एकदम सही बिजनेस एस्टेब्लिश करना, उसको सही तरीके से रन करके उसे एक लेवल तक ले जाना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अकॉर्डिंग टू मी। नाउ मोटिवेशन टू अचीव दीज गोल्स, मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज अ पावर, एनर्जी।
energy. Instead, I will use the word energy. Okay. Energy दो तरह की है, power दो तरह की है. Mental, physical. Obviously बात है, mental power is more powerful than physical. कोई पहलवान है एकदम. अब पहलवान को बोलो कि सीए और इंजीनियर बन जावे, ओके. लेकिन एक सीए इंजीनियर को बोलो कि थोड़ी देर वेट लिफ्टिंग कर, पहलवान बन जा, बन जाएगा. डजंट मैटर, वो बन सकता है. लेकिन एक पहलवान सीए और इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो आप खुद सोचो. दूसरी चीज, फिजिकल पावर. एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ओके. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली साउंड हो, तो एक फिजिकल पावर, कितनी ताकत हो उसमें, वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो. ठीक. तो मेंटल पावर इज मच मोर साउंड, मोर पावरफुल देन फिजिकल पावर. और फिजिकल पावर जनरेट करने के लिए भी आपको मेंटली साउंड होना पड़ेगा कि हां, हम 50 केजीज उठा सकते हैं, ओके. नाउ मेंटल पावर, नाउ दैट इज नोन एज विल पावर. ओके. तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि दुनिया में कोई भी सक्सेस, कोई भी काम अकम्प्लिश करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए आपको अगर कोई चीज चाहिए, दैट इज विल पावर. ओके. तो विल पावर इज नोन एज मेंटल पावर. दिमाग की ताकत को बोलते हैं विल पावर. ओके. अब विल पावर अगर आपके पास है, अब आपने कोई काम करने का सोचा, बहुत खुशी की बात है. नाउ व्हाट द होल वर्ल्ड सेज, पूरी दुनिया क्या कहती है, सोचते वक्त हजार बार सोचो, लेकिन एक बार सोचने के बाद फिर मत सोचो. अब तो ये देखो कि उस काम को अकम्प्लिश कैसे करना है. तो बहुत सेम फेमस डायलॉग है, एक बार मैंने अगर कोई कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता. नाउ व्हाट इज दैट, कि एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता. एक बार आपने अगर कोई काम करने की ठान ली, अब कुछ मत सोचो. आपका माइंड 100% फोकस होना चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के, उस काम को अकम्प्लिश करने के लिए. दैट इज द डायलॉग. तो विल पावर, अब एक बार आपने कोई चीज सोच ली, अब 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि हम ये काम करेंगे और करके दिखाएंगे, ओके. अगर आपके मन में दुविधा है, पता नहीं यार सीए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर ये दुविधा है तो 99% आप फेल हो जाओ. या तो वो काम करने की सोचो मत, अगर सोच ली, अब सिर्फ वो काम करके दिखाना है, ये होना चाहिए आपके दिमाग में. अब कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ टारगेट. नाउ दैट इज अर्जुन, सिर्फ मछली की आंख दिखती है, फोड़ दे. दैट इज, अभी हिंदुइज्म से जोड़ेंगे उसको, माइथोलॉजी से जोड़ेंगे इन सब चीजों को. तो 100% कॉन्फिडेंस, ओके. आपके मन में अब दुविधा नहीं होनी चाहिए, आपने कुछ करने की ठान ली, करेंगे, ओके. फॉरगेट द साइज और द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑब्वियसली बात है, जब भी आप कुछ करना चाहोगे, कुछ बड़ा करना चाहोगे, अगर वो आसानी से मिल जाता है तो मजा नहीं आया. Unless until you face problems. Okay. तो मेरे को भी इतना अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि 18-20 घंटे काम करने के बाद एक ऐसे प्रोफेशन में, ऑल इंडिया रैंक वन, मीन जिस प्रोफेशन के लिए कहा जाता है 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो जो प्रॉब्लम्स फेस करके मैंने वो चीज अचीव की है, नो दैट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई एम गेटिंग. And you can see on my face, on my body structure, on my body language, because I have faced problems and I have overcome them. That's why. Reason? Willpower. So forget the size and the number of problems. कितनी बड़ी है, कितनी है, भूल जाओ. अब वो सब छोटी हैं. आम दो जितनी problem आनी. Face करो, overcome करो, achieve your targets and goals. Now for that. Hard work. Some public says intelligent hard work. Okay, intelligent hard work.
हार्ड वर्क, अब आप डटे रहो, काम करना है हमने, ओके। नाउ फॉर दैट ऑब्वियसली वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई, अरे यार रहने दो ये तो बहुत मुश्किल है, रहने दो ये वो, छोड़ दिया, कुछ और कर दें, ओके। तो वो काम आप करो और उसमें जीतो, उसमें अपना टारगेट अचीव करो, अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ओके। हार्ड वर्क, ठीक है ना, अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाटएवर यू से दैट, जो भी आपके गोल्स टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब आप अचीव कर लो। तो गोल्स टारगेट्स अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। हार्ड वर्क 100% कॉन्फिडेंस से आता है, 100% कंफर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हम ये काम करके दिखाएंगे, तब तक करेंगे जब तक सक्सीड ना हो, बहुत पुरानी चीज है, काम करो फेल हो जाओ डजंट मैटर, तब तक करो जब तक सक्सीड ना हो जाओ, दैट मैटर्स। तो हार्ड वर्क 100% कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस आता है विल पावर से, और विल पावर आपको मिलती है मोटिवेशन से। इट मींस अगर आपको गोल्स टारगेट्स अचीव करने हैं, सो द बेस इज मोटिवेशन। नाउ दिस इज द प्रोसेस, मैंने इस पूरे प्रोसेस में आपसे कहीं नहीं कहा कि आप पूजा करो, भक्ति करो, भक्ति करने से आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे, ये हिंदू माइथोलॉजी का पहला उसूल है। आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा, ये आप मुझे किसी बुक में लिखा हुआ दिखा दो मैं मान जाऊंगा, नेवर। हार्ड वर्क मेहनत से ही मिलेगा, यही लिखा है हर माइथोलॉजिकल किताब। पूजा करने से आपको वो ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। हिंदू माइथोलॉजी को समझ नहीं रही पब्लिक, ना समझ पा रही है, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बोलते हैं, असल में पढ़े लिखे लोग और इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंस जो चीजों को सोच समझ पाए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एनालाइज कर पाए, नाउ दैट इज इंटेलिजेंट। पढ़ा लिखा जिसके पास डिग्री है, दैट इज पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे लोगों के साथ एक दिक्कत हो गई है, एक और छोटी सी कहावत है, हाफ नॉलेज इज मच मोर वर्स देन नो नॉलेज। तो जो हाफ नॉलेज है, बेसिक पता नहीं, गलत है ये चीज गलत है, देखते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से आप 100% सेटिस्फाइड हो कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही। मोटिवेशन पावर, पावर इज एनर्जी, एनर्जी इज मेंटल और फिजिकल, मेंटल इज विल पावर, विल पावर से ही सारे काम होंगे, ठीक। अब इस पूरे प्रोसेस में ये नहीं लिखा फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मोटिवेशन। अगर आप किसी मोटिवेशनल कोट को पढ़ते हैं, किसी मोटिवेशनल भाषण को सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, कितने टाइम के लिए मोटिवेशन है, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, खत्म। Now, what about the motivation for the whole life? देखते हैं। तो motivation क्यों चाहिए वो पता है, motivation क्या करेगा वो पता है, the most important question, from where we will get the motivation? Now, सुने आप, that is mythology. Is the mother of motivation. Mythology जननी है motivation। अब समझें why एक बंदे को to offer prayers, क्यों pray करना चाहिए, क्यों भक्ति करनी चाहिए, वो समझते हैं। और भक्ति क्या सिर्फ देवी देवताओं की हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, समझते हैं। What the Hindu mythology says? Now mythology says, choose anyone as your god. Even Hindu mythology says, आप अपने parents की पूजा करो, that is the best thing. Hindu mythology में गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य का अधिकार। Reason? उन्होंने अपने माता पिता को अपना संपूर्ण संसार मान लिया, संसार का भ्रमण करना था, एक बेटे ने संसार का भ्रमण किया,
एक ने अपने माता पिता के चक्कर लगाए और कहा यही मेरा संसार है, इन्हीं की पूजा, पूरे संसार की पूजा है, सब कुछ है, उनको प्रथम पूज्य का अधिकार मिला इस कॉन्सेप्ट की वजह से। ये क्यों है कॉन्सेप्ट? ताकि आपको ये पता चले कि अगर आप भी अपने पेरेंट्स को सर्वोपरि मानते हो, दैट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, एंड यू आर अगेंस्ट दैट, यू आर सेइंग इट हैज सम नॉन बिलीव्स, अनबिलीव्स और समथिंग समथिंग समथिंग। देखते हैं नॉन मैथोलॉजी, व्हाट इज गॉड? गॉड एनीवन ऑन विच यू कैन ट्रस्ट। सिमिलरली चलो पहले ये गॉड एनीवन हुम यू कैन ट्रस्ट, लेट गॉड में एक अलग कर देते हैं गॉड, जो हम गॉड्स मानते हैं, देवी देवता। अच्छा एक चीज और है, एक होता देवी देवता, एक होता भगवान, डिफरेंस पता चलेगा। गॉड एक है पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को पूछो, हिंदू मैथोलॉजी कहती है आप पेरेंट्स को पूछ सकते हो, उनसे बड़ा भगवान नहीं आपका कोई। चलो हम गॉड ले लेते हैं, लेट शिव, आई एम शिव, लेट शिव, ओके शिव अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी पेरेंट ऑफ ऑल पेरेंट्स, सबके माता पिता। तो अगर पेरेंट्स को हिंदू मैथोलॉजी सुपीरियर मानती है, आप उनकी पूजा कर सकते हो, तो जो आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं तो वो सुपीरियर मोस्ट हो गए, द मोस्ट सुपीरियर पर्सन, ओके शिव। नाउ व्हाई टू प्रे, क्यों करते हो आप पूजा? चाहे आप पेरेंट्स की पूजा करो, चाहे आप शिव की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, किसी की भी करो, किसी की भी करो, व्हाई? टू जनरेट विल पावर, दैट इज द रीजन कि आप प्रेयर्स करते हो। नाउ भक्ति, आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई थिंक लाइक दैट, भक्ति की होती है शक्ति, शक्ति पावर एनर्जी। नाउ दैट इज पावर एंड एनर्जी, पावर एनर्जी शक्ति कहां से मिलती है? भक्ति से। आप पूजा करते हो किसी की, 100% कंफर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण से क्या होता है, आप किसी की भक्ति करते हो संपूर्ण समर्पण से। अब आपके माइंड में क्या इंप्रेशन आता है, आपके माइंड में एक इंप्रेशन आता है कि अगर मैं इनका नाम लेके कुछ ठान लूंगा तो वो काम जरूर होगा, ये खुद मेरा काम करवाएंगे। ना, वो काम नहीं करवाएंगे। आपका जो विल पावर है, आप इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हो उनपे कि उनका नाम लेके जो भी काम करोगे वो काम पूर्ण होगा, वो विल पावर वो काम करवाएगी। शिवजी नहीं आने वाले वो काम करवाने के लिए। शिवजी से आप क्या बोल सकते हो, देवी देवताओं से आप क्या बोल सकते हो, गिव अस द पावर टू फेस द प्रॉब्लम्स, ताकि किसी प्रॉब्लम से हम हारे नहीं और अपना काम करते रहे, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। ये मांगो उनसे, पैसा मत मांगो उनसे, उनसे मांगो कि पैसा कमाने के लिए जो हार्ड वर्क चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो विल पावर चाहिए, वो दो आप। शक्ति मांगो, विल पावर मांगो, पैसा मत मांगो, वो आपको कमाना पड़ेगा, वो माइथोलॉजिकली नहीं मिलेगा, वो पूजा करने से नहीं मिलेगा। पूजा करने से, भक्ति करने से शक्ति मिलती है, इसीलिए कहा गया भक्ति की शक्ति। भक्ति का पैसा किस स्टेटमेंट में आपने सुना है, मुझे भी बताना। भक्ति की शक्ति, भक्ति से शक्ति मिलती है, शक्ति से एनर्जी मोटिवेशन मिलता है, उससे विल पावर स्ट्रांग होती है, विल पावर से सारे काम बनते हैं। नाउ दैट्स माइथोलॉजी, बिगाड़ो मत उसको, गलत पोर्ट्रेट मत करो। यूजलेस थिंग्स जो ये लोग हैं, दे डोंट नो व्हाट द माइथोलॉजी इज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी अशिव
I have always asked about them कि मुझे भक्ति की शक्ति दो, भक्ति की शक्ति होनी चाहिए। That's what हनुमान जी ने पोर्ट्रे किया। भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उनमें इतनी शक्ति थी, भक्ति की शक्ति। ऑलवेज कोई भी माइथोलॉजिकल आप सीरियल देख लो, बुक्स पढ़ लो, उसमें भक्ति की शक्ति कहा गया है। भक्ति का पैसा, भक्ति का बिजनेस, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ना ऐसी कोई स्टेटमेंट है, ना हो सकती है। हमेशा यही कहा गया है, मेहनत का फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज मेहनत करने के लिए जो शक्ति है वो भक्ति से मिलेगी। नाउ दैट्स व्हाई डू भक्ति। और भक्ति जरूरी नहीं है इनकी करो, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भक्ति आप पेरेंट्स की भी कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को सर्वोपरि मान लो, उनकी भक्ति करो, उनका नाम लेके कुछ स्टार्ट करो, काम जरूर बनेगा। बट 100% कंफर्म डिटर्मिनेशन, 100% आपका समर्पण होना चाहिए उस शक्ति को जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिससे इन रिटर्न आप शक्ति लो। अगर 100% कॉन्फिडेंस है आपका उनके ऊपर, अब काम जरूर। लेकिन पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनकी पावर्स में है भी नहीं है, ये किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर, किसी के ऊपर भी। ओके, नाउ भक्ति की शक्ति, पावर, एनर्जी। अब एक और रीजन सुनो क्यों हम प्रे करें, क्यों हम प्रे करें। एनर्जी दो तरह की है, पॉजिटिव नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हार्डवर्क, जो मेहनत करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। लेट आपने बहुत मेहनत करी, या तो आपने एजुकेशन, बिजनेस, मनी, जिसके लिए मेहनत करी, लेट आपको मिल गई, अब बहुत पैसे वाले लोग हो गए। अब पैसा भी एक एनर्जी है, उस एनर्जी का सही इस्तेमाल हो सके। एक पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं चल रही आप सब जानते, एक पैसे का इस्तेमाल हो जिससे सोशल वेलफेयर हो, पब्लिक का भला हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो। अब एक नेगेटिव साइड जा रहा है, एक पॉजिटिव साइड जा रहा है। आप जो शक्ति अर्न करोगे, ये चीजें भी शक्ति हैं, बहुत बड़ी शक्ति है एजुकेशन, ये शक्ति है। इस पावर का सही यूज हो सके उसके लिए आपका दिल और दिमाग सात्विक होना चाहिए। सात्विक में उसमें खुद में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। हाउ यू विल गेट पॉजिटिव थॉट्स? फ्रॉम पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज, एंड दीज आर पॉजिटिव एनर्जीज, द बिगेस्ट पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी की पूजा करने से हम में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उन पॉजिटिव थॉट्स के बेसिस पे हम जो शक्ति अर्न करेंगे उस शक्ति का पॉजिटिव मींस में यूज हो सकेगा। हार्डवर्क, हिंदू माइथोलॉजी आप देखते हो, राक्षसों ने कम हार्डवर्क नहीं किया है, उनको भी फल मिले हैं, वरदान मिले हैं, लेकिन हर वरदान उन्होंने गलत यूज किया है जिसका अंत में उनको फल मिला है, नेगेटिव। उनकी जान पहचान नेगेटिव थॉट्स की वजह से है, व्हाई नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स के लिए जब आप भक्ति करते हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के बेसिस पे होनी चाहिए, और पॉजिटिव लोगों की होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग पॉजिटिव थॉट के साथ हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, और जो भक्ति आप कर रहे हो वो पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट के साथ करो। तो शक्ति मिले पॉजिटिव थॉट के साथ, और रिलीज भी पॉजिटिव थॉट के साथ हो, उसका आउटकम पॉजिटिव हो, उसके लिए सही भक्ति करनी जरूरी है और सही तरीके से पहचानना जरूरी है भक्ति की शक्ति। आई हैव नेवर सेड कि पैसा आपको मिलेगा लक्ष्मी जी की पूजा करने से, नो, नेवर। शक्ति, भक्ति, भक्ति करोगे शक्ति मिलेगी, शक्ति करो मिलेगी एनर्जी, एनर्जी मीन विल पावर, मोटिवेशन, जिससे सारे काम बनेंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, व्हाटएवर द केस इज, भूल जाओ सारी प्रॉब्लम्स, फेस करेंगे और जीतेंगे भी, वी विल अचीव आवर गोल्स एंड टारगेट्स। तो और दूसरी चीज, अब भक्ति करने के लिए आपको मंदिर जाना जरूरी नहीं, करो यहीं पे, करो खड़े खड़े, करो बैठे बैठे, करो लेटे लेटे, करो। भक्ति मींस उस पे विश्वास करना, दैट इज भक्ति। फूल चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, दैट इज नॉट भक्ति। लेकिन अगर कोई चढ़ा रहा है तो उसको गलत मत कहो, दैट इज नॉट रॉन्ग कि वो गलत है। अब पहली चीज कि भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति नहीं करोगे, हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क 99,000
परसेंट चांसेस है फल मिलेगा, आपको एजुकेशन भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। लेकिन हार्ड वर्क अगर पॉजिटिव वाइब से ना हो तो 99.99% उसका जो आउटकम होगा, वो जो शक्ति का यूज होगा, पैसे का यूज, एजुकेशन का यूज, वो नेगेटिव वेज में हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसको पॉजिटिव वेज में जाने के लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा और उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। नाउ दैट भक्ति अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, नाउ दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कभी नहीं कहता शिव जी की पूजा करनी कंपल्सरी है। हिंदुइज्म कहता है अच्छा विचार होने चाहिए, अच्छे थॉट्स होने चाहिए, पेरेंट्स की पूजा कर लो वो भी बेस्ट है। Then why? PK and OMG. Now, शिवजी को दूध चढ़ता है, मत चढ़ाओ, गरीब को दे दो, समथिंग समथिंग समथिंग। इस कॉन्सेप्ट को अब हम डील करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, ये जो आप लॉजिक सीखोगे इसके व्यूज जरूर देना, जरूर देना। और आपको पसंद आए तो सबको दिखाओ, पेरेंट्स को, मतलब आपके जो भी बुजुर्ग एल्डर्स हैं, ताकि उनको अपनी भक्ति पे फुल कॉन्फिडेंस हो। ये फिल्में, ये चीजें आने के बाद कंफ्यूज्ड है पब्लिक, करे कि ना करें, करे कि ना करें। जिनको कुछ नहीं पता वो फिल्में बना रहे हैं, जो ऑलरेडी कंफ्यूज है वो देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। क्लियरेंस होनी चाहिए, क्लियरेंस। नाउ दूध चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, देखते हैं कौन सा। किस्सा दूध का, सबसे पहले बैगर्स, उसमें फिल्मों में कहा गया है कि दूध चढ़ाने की बजाय वो दूध गरीबों को दे, ठीक है जी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलिटी देखते हैं। अगर हम ये कहें कि गरीबों को, भिखारियों को, जितने भी हैं बैगर्स, उन लोगों को फ्री में दूध, फल, सब्जी सब मिलेगा, आपको क्या लगता है गरीब लोग बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशल एक्टिविस्ट और सोशल थिंकर्स, बैगिंग, भीख देना एक सोशल क्राइम है। आप जितने भीख दोगे, सर बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्क चल रहे हैं, बच्चों का किडनैप होता है, लोगों का किडनैप होता है, उनको अपंग बनाया जाता है और भीख मंगवाई जाती है। अगर पूरी दुनिया भीख देना बंद कर दे तो बच्चों का किडनैप होना बंद हो जाए। वेरी सिंपल, नो नीड टू कंट्रोल दैट। भीख देना बंद कर दो, भीख देना सोशल क्राइम। रीजन आपको पता चला, आप भीख देते जाओ और भिखारी पैदा होंगे, अपने आप नहीं होंगे, उनको बनाया जाएगा, होंगे। भीख देनी बंद कर दो, ना तो अपने आप भिखारी होंगे और ना ही उनको जबरदस्ती बनाया जाएगा, बहुत सारा क्राइम रुक जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, भीख नहीं देनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूध की बात आती है तो उसके कुछ थॉट्स हैं मेरे। पहला, दूध चढ़ता क्यों है, क्यों चढ़ाना चाहिए? देखते दूध चढ़ता कब है। शिव को दूध चढ़ता है सावन के महीने में, बरसात के महीने। रीजन, अकॉर्डिंग टू साइंस, बरसात के कारण घास में, जो घास होती है उसमें इंफेक्शन पैदा होते हैं। गाय जब वो घास खाती है तो उसके पेट में इंफेक्शन होता है, जिससे उसका जो दूध होता है उसमें इंफेक्शन होता है। अब दूध निकालना भी जरूरी है, अगर गाय का दूध ना निकाला जाए तो उसे कैंसर हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको बहुत पेन होता है। तो दूध निकालने से पेन कम होता है, दूध ना निकालने तो बहुत पेन होता है, डेथ भी हो सकती है। ओके, तो दूध निकालना कंपल्सरी है। अकॉर्डिंग टू साइंस, बरसात के दिनों में मिल्क या मिल्क से रिलेटेड, दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। आपका पेट खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि उसमें इंफेक्शन होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कौन फेस करेगा? पेरेंट्स, पापा, मम्मी। नाउ दैट्स वेयर शिव एंटर्स। शिव सेज आपके लिए वो चीज हानिकारक है, जहर के इक्विवेलेंट है, जस्ट लाइक पॉइजन। तो बच्चों को पॉइजन कैसे हो सकता है, मुझे पिला दो।